सेलफोन रेडिएशन का क्या है सच, मोबाइल हैंडसेट निर्माता और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सपोजर को लेकर भले ही सरकार ने विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस बना रखी हों, परंतु मानव शरीर को इसके दुष्परिणाम से कैसे बचाया जाए, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये गाइडलाइंस सिर्फ यही बताती हैं कि इन रेडिएशन कम कैसे किया जाए। रेडिएशन से होने वाली रोगों के बारे में इनमें कुछ भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। गाइडलाइंस में निम्न बिंदु होते हैं, जैसे फोन को शरीर से कुछ दूरी पर रख, जेब में नहीं रखना, बात करते समय ईयरफोन्स स्पीकर हेडसेट का उपयोग करना, कम सिग्नल प्राप्त होने पर फोन यूज नहीं करना, सोते समय सिर या तकिए पर मोबाइल दूर रखा जाए, आरएफ एनर्जी कम करने वाले साधनों का इस्तेमाल करना इत्यादि। आमतौर पर सभी मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव्स पर आधारित होती हैं। रिसर्च से यह पता चलता है कि सेलफोन के रेडियो सिग्नल्स एक विशेष प्रकार की कोडिंग के द्वारा लो पावर माइक्रोवेव में तब्दील हो जाते हैं, जो कि कोशिकाओं और डीएनए को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं जितना एक्सरे किरणें, गामा किरणें अथवा परावैगनी किरणें नुकसान पहुंचाती हैं। जब हम सेलफोन पर बात करते हैं तो सेलफोन और निकटतम मोबाइल टावर के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का आवागमन होता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी इस बात पर सहमत नहीं है कि माइक्रोवेव से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि सेलफोन की बैटरी लो होने पर या हाई स्पीड डाटा यूज करने पर रेडियो एनर्जी का एक्सपोजर बढ़ जाता है। इस विषय पर अब तक कई प्रकार के शोध हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेन का वह हिस्सा जो सेलफोन से सटा हुआ रहता है, वहाँ के टिश्यूज ग्लूकोज का अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। इसका यह मतलब नहीं है कि सेलफोन रेडिएशन बिल्कुल सुरक्षित है, यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम इस तकनीक को किस तरह और कितना काम में लेते हैं। इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस को यूजर को खुद को बतानी पड़ती हैं। बीबीपी न्यूज़ सबसे आगे। अन्य रोचक खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।